नरेंद्र बहादुर सिंह ये ससुरी अपनी बेटी के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती, ले जा इसे घर सीखते हुए ले जा। उस सामने जो पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी से साली को फेंक दे, एक और बॉडी के चितड़े हो जा। ले गया नरेंद्र बहादुर सिंह अभी ससुरी को मौत के घाट उतार देगा। सेनापत भावर सिंह अब तुम्हारी जस से खेलूंगा। साला तूने हमरा सा बगावत किया है रे। और महाराज जय चंद्रपाल सिंह, जब तक हम तुम्हारे खानदान का सर्वनाश नहीं किया तो फिर सोच ले ठाकुर होने का हमारा मतलब ही का है। साला चलो लेगा साला खेचुहा लेगा, अब चल रहे उनके पीछे पीछे हम हो देखी साला का करत है। अरे लेगा उठाए राम लेगा उठाए और खरी हनवा से बकरी कंतला। देख ये ऊंची पहाड़ी नजर आ रही है ना, मुझे इन पहाड़ियों से बहुत डर लगता, मुझे इन ऊंची ऊंची खाइयों से बहुत डर लगता है। डर लगता है ना, और अपनी बेटी की पता नहीं बताएगी? नहीं तो आज इस ऊंची पहाड़ी से मैं तुझे नीचे फेंक दूंगा और तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। से पहले चलो दोनों जने चेक कीन जाए कि उतनी दूर से गिरी मरी कि ना मरी, पहले हम तुम गिरा जाए। हाँ ये कर सकते तुम लोग, चलो पहले मैं तुझे रुक जाओ, दो लोग में एक लोग पहले जाइए। भाई आप ठाकुर हो, आप ठाकुर हो, आप कुकुर हो। आप ठाकुर हो हमसे बड़े हो, पहले आप कूदो तोहरे पीछे पीछे हम आ रहे। लंबुआ रे मुंह को आराम कर, मुंह को बंद कर। अरे आज सबसे पहले मैं शकंतलिया को फेंकूंगा। हराम चादर एक नारी के ऊपर अपनी मर्दानगी दिखाता है। कि तुम लोग हो कौन? हम तुम्हारी मौत है। हमारी मौत? अगर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चलो ठीक है ले जाए। बहादुर सिंह ले तो जाएगी ये ज्वाला। मेरा नाम चाकू ज्वाला है, जवाब तेरी मौत बनकर तेरे समक्ष खड़ी है। नरेंद्र बहादुर सिंह मेरी बातों को गौर करना। क्या कहना चाहते हो? मौत आई तेरी आज नरेंद्र सिंह, मौत मुझको पहचान ले और तारा से चालक बनने मजबूर किया।
तेरी हिम्मतकारी के जरिए मुझे अपनी नजरों से मेरे स्वामी जी ने गिरा दिया। तेरी हिम्मतकारी के कारण माँ को अपने बेटे से जुदा होना पड़ा। और तू स्वामी ने कहा हाथ में पहले हाथ खड़ी और आज फिर तू एक नारी के साथ अत्याचार कर रहा है कमीने। किस्मत में जो लिखा रहता है वही होता है। ये किस्मत के लिए कोई नहीं मेर सकता शकुंतला। चिंता मत करो शकुंतला, चिंता मत करो बहन कमीना को जब तक इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। इन पापियों ने मुझे मेरे बेटे से जुदा किया, तुझे तेरे पति से जुदा किया। राजमाता मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। भोलेनाथ पे विश्वास करो, तुम्हारे पति तुम्हें जरूर मिलेंगे। मैं भी बहुत इन कमीनों के कारण उस दिन जेल से भागते समय दोनों जुदा हो गए। ना जाने कहां से नपति भवर सिंह चला गया, बहुत खोजी लेकिन नहीं पता चल रहा। शकुंतला नारायण बहादुर आज दो नारियों की आंखों में आंसू है, दो नारियों की आंखों में आंसू है तो उसका कारण तू है। और ये आंसू जब तेजाब में बदल जाएंगे तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। नारायण बहादुर बारह सिक्का सिंह का साथ देने में बहुत अच्छा लगता है, अब नहीं साथ दूंगा राजमाता। लेकिन ज्वाला के कहर से तू नहीं बच पाएगा। हराम राजमाता पर बहुत लागत है, ऐसी गलती नहीं करूंगा दोबारा, मुझे माफ कर दे। मैं इस रात को छोड़ना खाया चरा पेबा अपना खाया चरा पेबा। अरे क्या तूने Yeah.
छोड़ दो मुझे, अपने लग रहा, अपने पढ़ रहा है तो लग रहा है, दूसरों के पढ़ता है तो नहीं लग रहा है। तुम्हारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। नारायण बहादुर, तेरे कर्मों का परिणाम ये ज्वाला। जब महारानी तारा से ज्वाला बनी हो तो ज्वाला ही बनकर बरसूंगी। चलो पहले अपने अड्डे पर, उसके बाद इस राम चादे को इसके कर्मों का परिणाम इसका गिन गिन कर चुकाऊंगी इससे। ये छूटेगा नहीं शकुंतला, ये मरेगा। शकुंतला चलो मेरे साथ पहले हमारे अड्डे पर, उसके बाद हम तुम्हारे पति को खोजने जरूर चलेंगे। आओ मेरे साथ, माता रानी पर विश्वास रखो, तुम्हारे पति को जरूर मिलाएंगे। ना जाने क्यों मेरी दिल कैसे या मालिक, ना जाने कहां मेरी दिल को समझ में। माँ बेटा आकाश, आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है, कहीं आपको बुरा तो ना लगे। माँ बोल बेटा, क्या कहना चाहते हैं। मैया जी चरणों में मैं झुकाता हूँ तेरे, दीज सुख शांति का मुझको वरदान है, आपके चरणों में ही चांदनी है खड़ी। बेटा बेटा क्या कह रहा कुछ मैं समझी नहीं, अपना तो रहने का कुछ ठिकाना नहीं, कैसे इसको बना लूं बहू मैं ते, जीने देता है अब तो कैसे विषय बना अपनी बहू, अपना तो कुछ रहने का नहीं का ठिकाना नहीं, मुझको बहुत चाहती है माँ। बेटा हाँ माँ, लेकिन बेटी नाम क्या है आपका। मेरा नाम चांदनी है माँ। चांदनी आपके माँ आपके चरणों में। अरे बोल बेटी, लेकिन एक बात और है बेटा आकाश, शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन बेटी इस शादी से तुझे इनकार करें। नहीं माँ, मुझे कोई इनकार नहीं। लेकिन बेटा इस शादी से मुझे इतराज नहीं, क्योंकि ये शादी का मेरा कोई अधिकार नहीं है। बेटा आकाश उस दिन की बात है जो महारानी तारा देवी और महाराज जयचंद बहादुर सिंह, क्या हुआ माँ, वो तुम्हारे पिताजी हैं और महारानी तारा वो तुम्हारी माँ है। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं ये तुम क्या कर रहे हो माँ, मैं बचपन से तुम्हारे साथ पला हूँ माँ, आप मेरी माँ हो माँ। उस दिन की बात है जो मैं एक नौकरानी बनकर तुम्हारे
माँ की दरबार में नौकरी करती थी। आज ना जाने से क्या हुआ वो भैरव सिंह, भैरव सिंह ना जाने क्यों तेरे जान के पीछे पड़ गया। उसी दिन की बात, महारानी ने तुमको मेरे हाथ सौंप दिया कि लेकर भाग जाओ, और उसी दिन से मैंने तुमको जंगलों में पाला पोसा है मिला। मैं भगवान से कसम खा के कहता हूँ माँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। माँ बेटा मैं ही चाहती हूँ कि तुम दोनों सही सलामत रहो, कोई बात की चिंता ना हो। ठीक है माँ, हम हमारी चाहत अच्छा करेंगे माँ, बेटा आपके साथ रहेंगे। महाबली तो इस ससुरी और इस साला यहाँ छुप कर बैठा है। भैरव सिंह अभी तक तक पीछा नहीं छोड़ा। तूने महाबली मौत कभी पीछा नहीं छोड़ती। और सुन मेरी बात को गौर से, क्या कहना चाहती है? 18 वर्षों से मैं खोजता था इसे, इसको रजनी तुला कर छुपाई है। आज इसको मिटा करके छोड़ूंगा मैं, देखता कौन आता। मंत्री भैरव सिंह बोल, बहुत हो चुका है सब नाटक। मैंने महारानी से वचन किए, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, लेकिन आकाश से कोई आज नहीं आने दूंगी। हरामखोर, ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। अरे वाह वाह, महादार महाराज की वफादार कुतिया, वाह। बस बेटा बस, मैं हूँ। अच्छा करी, अगर सारे फड़फड़ाने की जरूरत किया तो टेटुआ दबा के मार डालूंगा। महाबली बेचारे के हाथ में हाथ करी, अभी तोरी हलक का दूध नहीं सूखा, इसका जुनून चढ़ गया। बहुत याराना है इस लौंडे से। भैरव सिंह, अगर हमारी चांदनी को ऊंची आवाज में बात किया तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। तेरी चांदनी से ऊंची आवाज में ही नहीं, तेरी आंखों के सामने हम एकर बलात्कार करेंगे। जब तक हम एकर इज्जत लौट कर मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा, तब तक सकुने चैन से नहीं बैठूंगा। हो संभल के बात करना, कोई अनर्थ ना हो जाए। हरामखोर, छोड़ दे मेरी बहू को, मेरे बेटे को। अच्छा तो कह रहे इसको अपनी बहू भी बना लिया। तूने इस पिल्ले को यहाँ छुपाकर हमारा अपमान किया है। चल पिल्ला, तेरी जान का मिसल मलेगा राखोर, एक दिन तेरी जान यही आकाश लेगा। आकाश हराम जाती, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे जीने का कौन हकना है।
क्योंकि तूने हमारा अपमान किया है। साली रजनी मोर गई है? रामबली रामबली बजरंगबली, अरे बजरंगबली कहाँ मर गया था? अरे राम बली की ड्यूटी लगी रहेगा आपके साथ, तो हम कहाँ आए पावा। अब साले तुम कहाँ गए थे? हम तो रात दरबार में रहने वाली। बजरंग बली इस बुढ़िया को, इस बुढ़िया की लाश को ठिकाने लगा कर फौरन आकर हमरा से मुलाकात करो। जी हजूर। सिपाही, इसलिए मैं कहावत में कहता हूँ कि कलयुग का वास हो और सत्य का सत्या। साथियों, ये बूढ़ी औरत कौन है? उठाओ इसे और खड़ा करो, क्योंकि इसकी सांसें अभी चल रही हैं और न जाने किस हरामजादे ने इसे जख्मी करके यहाँ पर छोड़ दिया है।